नमस्कार, एसटीवी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। कौशाम्बी जिले में जिला पंचायत अध्यक्षा के खिलाफ जिला पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। जिला पंचायत अध्यक्षा के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आज जिले के 25 जिला पंचायत सदस्यों ने एडीएम के आमने सामने पेश होकर अपना हलफनामा सौंपा, जिसमें जिलाधिकारी से अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराए जाने की मांग की गयी है। कौशाम्बी जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी इस समय समाजवादी पार्टी के पास है और सपा की अनामिका सिंह वर्तमान समय में जिले की जिला पंचायत अध्यक्षा है। प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बसपा की मधुपति यहां की अध्यक्षा निर्वाचित हुई थी, लेकिन उनके खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव में समाजवादी पार्टी की अनामिका सिंह ने उन्हें हरा दिया था और जिला पंचायत अध्यक्षा निर्वाचित हुई थी। आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा मधुपति की अगुवाई में इकट्ठा हुए 25 सदस्यों ने एडीएम को अपना हलफनामा सौंपा। 29 सदस्यीय बोर्ड में जिस तरीके से 25 सदस्य मौजूदा अध्यक्षा अनामिका सिंह के खिलाफ लामबंद हुए हैं, उससे अगर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो उनकी हार तय मानी जा रही है। प्रस्ताव लेके आए थे, टोटल कितने सदस्य आए थे और क्या है? ये जो वर्तमान जिला अध्यक्ष जिला परिषद की है, उनके विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव 23 जिला पंचायत सदस्यों ने उपस्थित होकर दिया है और 2 सदस्यों के एफिडेविट आए हैं, अभी वो उपस्थित नहीं हो पाया, तो वो भी सम्मिलित इसमें उन्होंने करने के लिए दिए। क्या कुछ मानना है, कब तक डेट देके चुनाव करवाया जा सकता है? ये आज ही जिलाधिकारी महोदय के समक्ष चला जाएगा और डेट का निर्धारण अति शीघ्र कर। टोटल 25 सदस्यों को लेकर मैं आई हूँ और चूंकि विकास की गति एकदम रुकी हुई है, अब उनका क्या मैटर है अध्यक्ष का मैं वो नहीं जानती, लेकिन विकास की गति किसी न किसी कारण रुकी हुई है, इसलिए हमारे माननीय सदस्य बदलाव चाहते हैं। क्योंकि मैं 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हूँ, मैंने पूरे जिले में काम कराया है, कोई भी 1 रुपया जिला पंचायत का सरकार को वापस नहीं जाने दिया है और शायद कहीं ना कहीं इस बात का तकलीफ दुख मुझे भी है कि जिला पंचायत से कौशाम्बी जिले का विकास रुका हुआ है। मैं चाहती हूँ कि कौशाम्बी जिले का विकास हो और जहाँ तक आप लोग को पता होगा या जानकारी करना चाहें कि विकास की गति मेरे पीरियड में कितनी तेज थी, कितने निर्माण कार्य सारे, जो यहाँ तक कि हमारा जिला पंचायत का कार्यालय तक नहीं था ढंग से, तो मैंने बहुत तेज़ी से काम कराया और इस बात से मैं भी दुखी थी कि काम में बाधा आ रही, काम नहीं हो पा रहा है और सारा पैसा पड़ा है, पैसा वापस जाएगा सरकार को, इस बात का मुझे दुख था कि जो पैसा गवर्नमेंट हमें दे रही है हम उसको विकास के कार्यों में नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसी के तहत हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हम बदलाव करेंगे क्योंकि विकास की गति धीमी पड़ी हुई है, क्या रुकी हुई है, इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेते हैं। टोटल कितने सदस्य हैं, कितने सदस्यों का हलफनामा? 23 का हलफनामा, 25 का है और 29 सदस्य हैं टोटल और 25 का हलफनामा हमने दिया। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।